अस्सलाम वालेकुम जी, अज असीं बनावांगे आलू बुखारे की चटनी। असीं तुहाडे नाल दो तरह दीआं चटनियां शेयर करांगे, एक जिहड़ी शादियां ते खास तौर ते शादी विआह ते वी वैसे भी रमज़ान स्पैशल चटनी, जिहदे लई मैं लिया ए एक पाओ आलू बुखारा, एक पाओ आलू बुखारा, अद्धा पाओ चीनी, एक चम्मच भर के चारे मगज़ जिन्हां नूं मैं अच्छी तरह वाश कर लिया, ते एज ए अच्छा टेस्ट लियाण वास्ते लिए थोड़ी जी एक मतलब चुटकी लई है कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च एक चुटकी, जीरा पाउडर एक चुटकी और काला नमक एक चुटकी। हाँ जी, हूँ कढ़ाई असी रख ली, अग जला ली, तो हूँ लगे जी असी भी आलू बुखारा बिच पाउण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदे विच असी पावांगे अद्धा किलो पानी, एक पाओ आलू बुखारा, अद्धा किलो असी पावांगे पानी। और नाल नाल असी पा देंगे चीनी। हाँ जी, 10 to 15 minutes हो गए ने, हुण असी देखने साडी चटनी कित्थों तक पहुंची। बस थोड़ी जी देर होर पकानी हुई है ते नाल नाल असी चीज़ां ऐड करनी। एक चुटकी तो भी हल्का फूड कलर में लिया रेड वाला, क्योंकि कलर बहुत अच्छा जहा आ जाएगा इन्हें। अच्छा, ये जड़िया नाल नाल चीज़ें, एक चुटकी काला नमक, एक चुटकी जीरा पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च पीसी हुई, एक चुटकी सुरख मिर्च, ये असी पा देंगे। हाँ जी, देखो चटनी माशाल्लाह साड़ी तैयार हो चली है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जबरदस्त जहा कलर नज़र आ रहा। तो इन ज़्यादा देर असी रखने वास्ते इन्हें वेच थोड़ा जहा सिरका पावांगे एक चम्मच, और एक चुटकी असी पावांगे अदरक पाउडर। यह चारे मगज जाणगे इन्दे अंदर, मगज़ ताड़ी मर्जी, तुसी बादाम भी पा सकते जे, लेकिन मैं चारे मगज़ पाई ने। देखो माशाल्लाह चटनी साड़ी तैयार होगी, चूल्हा असी हुण बंद कर देंगे, इहदा ठंडा होने का इंतजार करांगे, फिर देखने असी 3 jars कोल रखे ने कि केड़े केड़े जार विच असी पाना चाहवांगे, किंदे विच पावांगे, फिर नाल नाल दूसरी चटनी तैयार करांगे असी। अच्छा जी, दूसरी पहली चटनी आलू बुखारे वाली ठंडी हो रही है, हूँ इमली वाली चटनी जड़ी कि मैं अद्धा किलो इमली 3 to 4 hours पे के रखी सी, और ए गुड़ लिया, गुड़े वाला ना देख के कहना कि वाइट गुड़ भी है, गुड़ ए वाली शक्कर होवे तां भी ठीक, गुड़ होवे तां भी ठीक है, पुराने तो पुराना जिन्ना भी होएगा ना उन्ना ही अच्छा टेस्ट आएगा। पानी असी होर पावांगे इहदे अंदर, अच्छा जी चटनी ये थोड़ी देर साड़ी पक गई। देखो हुण इहनूं असी करांगे थोड़ी देर वास्ते ठंडा, ठंडा हुण नहीं रखांगे, सारी रेसिपी अगे शेयर करांगे। अच्छा जी, चटनी साड़ी जिहड़ी है ठंडी हो गई, हुण इहनूं असी ना छन्नी नाल छान लाओगे, हूँ असी इन दोबारा तो पकावे। ए सुंड वाला पाउडर लिया एक चम्मच, ये पाना बिच काला नमक जिहड़ा इहदा मेन एक है जिहड़ा जिहदे नाल चटनी बहुत मज़ेदार लगेगी, बिच निकली आई मेरा स्वाद। ए कुटी हुई मिर्च जाएगी इहदे विच, थोड़ा जिहा असी जीरा पावांगे थोड़ा जिहा, हुण इहनूं पकावांगे जिन्नी देर ज़्यादा थिक ना हो जाए, तो थिक करन वास्ते पाया जांदा अरारोट या कॉर्नफ्लावर, कोई भी चीज़ पा सकदा बंदा, लेकिन मैं इत्थे कोई चीज़ नहीं पावांगी, वैसे पकावांगे ओरिजिनल वाली रखनी चटनी असी।
हाँ जी, चटनी साड़ी बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज़ बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह दा, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट पई सारी। ये पक के तैयार हो गई, हुण असीं ठंडा करांगे तो फिर इन्हां नूं पावांगे जार दे विच। हाँ जी, चटनी साड़ी माशाल्लाह ठंडी भी हो गई तो तैयार भी हो गई। ये चटनी पकौड़ियां ली, समोसियां ली, चने चाट वास्ते सब ली, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार, परफेक्ट हर चीज़। बस जार च पान लगियां, ये ध्यान रहना चाहिए कि जार ना अंदरों गिला ना हो, तो माशाल्लाह पूरा महीना बेफिक्री का गुजर जाना। हुण पानी आलू बुखारे वाली चटनी, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। आलू बुखारे वाली चटनी का ये ध्यान रहना चाहिए कि जिथे मैं पाया है सिरका, उस जगह पर असी एक लैमन का चम्मच भी पा सकने, रस लैमन का जूस पा सकने। लो जी, दोनों चटनियां जड़ियां जार च पै गई ने ते तैयार हो गई ने। माशाल्लाह पूरे रोज़े जबरदस्त बेफिक्री नाल रोज़े असी गुजार सकने हैं, कि चीज़ चटनियां बनाने की कोई टेंशन नहीं। माशाल्लाह मेरी रेसिपी सब नूं पसंद आए, अच्छी लगे, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआवां च याद रखना। अल्लाह हाफिज़।